वेलकम ऑल ऑफ यू। हिंदुस्तान का एक लड़का इन दिनों रातों रात इंटरनेट की सनसनी यानी कि इंटरनेट सेंसेशन बना है। भारत के छोटे से शहर से आने वाला ये लड़का बिजली की तेजी से अपने पैर चलाता है। इसके डांस मूव्स देखकर लगता है कि इसके शरीर में हड्डियां ही नहीं है, यानी कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी। कोई इसे माइकल जैक्सन का नया अवतार बताता है तो कोई डांसर बाबा जैक्सन। इसके डांस के दीवानों में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी शरीक हो चुके हैं। ऋतिक रोशन इनका डांस देखकर हैरान रह चुके हैं। बिना किसी ट्रेनिंग के सिर्फ 5 महीने में इस लड़के ने डांस में महारत हासिल कर ली है। तो चलिए बिना समय गवाए स्वागत करते हैं जोधपुर के रहने वाले युवराज उर्फ बाबा जैक्सन का। वेलकम। तो ये पूरा स्टेज तुम्हारा है युवराज, और जरा इस गाने के साथ शुरुआत करो और अपने मूव्स दिखाओ। स्टूडियो में युवराज, और बहुत शानदार आपने मूव्स दिखाए। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि आपने किया क्या है अभी। कोई कहता है आप स्काई मूव्स करते हैं, स्काई वॉक करते हैं, कोई कहता है आप मून वॉक करते हैं, और भी बहुत साइड वॉक, अलग-अलग चीजें होती है। अभी आपने क्या किया? अभी मून वॉक किया, और जो माइकल जैक्सन की शफल थी वो मून वॉक शफल, और कुछ-कुछ स्टेप है जो मैंने खुद बनाए, जैसे ये एयर वॉक है जो ऋतिक सर ने भी कमेंट किया था, वो वाला उनको बहुत अच्छा लगा, तो वो वाला ठीक है। इन सब चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन आपकी शानदार परफॉर्मेंस के साथ आपका वेलकम टीवी 9 भारतवर्ष पे हुआ है। लेकिन इससे पहले कि हम युवराज से बात करें, और ये बाबा जैक्सन 2020 है, इनका टिकटॉक का हैंडल है जिसपे इनके शानदार वीडियोस अपलोड होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन युवराज के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़े उनके सफर के बारे में बहुत सारी हम बातें करने वाले हैं, लेकिन पहले ये आप रिपोर्ट देख लीजिए और इस नन्हे उस्ताद को अच्छे से जान लीजिए। तो हो गई जो किया सो किया, तू बचा ले बलम आज मेरा जिया, हाय रे बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, हाय रे पिया हारे 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 पिया। कहीं ना कहीं पे होता नहीं है जो हुआ है अभी अभी। ओ ऊंची सैंडल वाली ताली पे मार ताली, ऊंची सैंडल वाली ताली पे मार ताली। टीवी 9 भारत
भारतवर्ष पर हिंदुस्तान की नई इंटरनेट सनसनी। माइकल जैक्सन की ट्रू कॉपी, सोशल मीडिया का नया स्टार। रातों रात हिंदुस्तान में छा जाने वाला जोधपुर का लड़का। इसके डांस मूव्स देखकर ऋतिक और टाइगर श्रॉफ को भूल जाएंगे। जिसने माइकल जैक्सन और प्रभु देवा को बनाया अपना द्रोणाचार्य। तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे। जिसने महानायक अमिताभ बच्चन को भी अपना दीवाना बना लिया। जब ये थिरकता है तब दुनिया देखती रह जाती है, जब म्यूजिक की धुन बजती है तो इसके शरीर में बिजली दौड़ जाती है। जब ये पैर चलाना शुरू करता है तो बहते पानी की तरह इसका बदन चलने लगता है। डांस के जिन बेहद टफ स्टेप्स करने में आपकी हड्डियां टेढ़ी हो जाएं, ऐसे डांस को ये बड़ी ही आसानी से कर जाता है। तो ये है बाबा जैक्सन। सबसे पहले युवराज मुझे ये बताओ कि क्या कहलाना पसंद है, अगर लोग बाबा जैक्सन 2020 के नाम से जाने, युवराज के नाम से बुलाएं या फिर इंटरनेट सेंसेशन, क्या पसंद है सबसे ज्यादा? ज्यादा तो बाबा जैक्सन ही पसंद है। बाबा जैक्सन पसंद है। तो अगर मैं सीधे सीधे पूछूं, बाबा जैक्सन 2020 मतलब 2020 के जैक्सन? हाँ, वो कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो लोग जिस तरीके के कॉमेंट करते हैं वीडियोज देखने के बाद, और कितने वन मिलियन फॉलोवर्स हैं टिकटॉक पे। अच्छा, बाकी सोशल मीडिया पे भी लोग इतना ज्यादा प्रेस करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब सपने जैसा लगता है थोड़ा बहुत। लेकिन ये सपना पूरा हो रहा है? हाँ, लेकिन वो मानना पड़ेगा, लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे, लाइक किया, अच्छा लगा, बॉलीवुड से भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो अच्छा मोटिवेशन का काम कर रहा है। और खास तौर पे जब सदी के महानायक अगर ट्वीट करें, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ जैसे लोग प्रेस करें, तो कैसा लगता है, क्योंकि ये लोग तो एकदम डांस के महारथी हैं। बहुत अच्छा लगता है मैम। वैसे मैं बता दूं, हमारे मम्मी और पापा उनको किसी दूसरे तीसरे के घर में जाके उनको देखते थे, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि उनका बेटा वो लोग कभी उनको कमेंट करेंगे, उनका वीडियो शेयर करेंगे। वैसे बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं उन लोगों को, सारे बॉलीवुड के तमाम जितने भी लेजेंडरी एक्टर हैं, जिनसे